नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। सैकड़ों खबर आप दिन भर देखते हैं और इनमें से कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो दिन भर की सुर्खियां बनती हैं, और इन्हीं सुर्खियों वाली खबरों पर विस्तार से हम बातचीत करेंगे इस खास शो के जरिए जिसका नाम है खबर गर्म है। तो पांच राज्यों में मतदान खत्म होने के साथ ही एग्जिट पोल भी सामने आ गए हैं और एग्जिट पोल इन पांचों राज्यों की पूरी कहानी बताते नजर आ रहे हैं। देश के पांच राज्यों में विधानसभा के चुनाव के बाद एग्जिट पोल के नतीजे पूरी कहानी बता रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी, लेकिन उससे पहले नेताओं से लेकर आम लोगों को एग्जिट पोल का इंतजार था। अलग अलग एग्जिट पोल के हिसाब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। एग्जिट पोल के रुझान में कांग्रेस को मध्य प्रदेश में 111 से 121 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी के खाते में 106 से 116 सीटें मध्य प्रदेश में जा सकती हैं। वहीं एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी को 100 से 110 और कांग्रेस को 90 से 100 सीटें मिल सकती हैं। यानी बीजेपी राजस्थान में बढ़त बनाती नजर आ रही है। दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर है, लेकिन बाजी बीजेपी मारती दिख रही है। दोनों प्रदेशों में सरकार बदलने की संभावना है। एमपी में शिवराज की कुर्सी जा सकती है, कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। वहीं राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार जा सकती है, यहां पर बीजेपी 5 साल का सूखा खत्म कर सकती है। वहीं तेलंगाना में भी कांग्रेस बेहतर स्थिति में नजर आ रही है। अभी तक आए सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बहुमत मिलता दिख रहा है, जबकि एमपी और राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ के अंदर 36 से 48 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस को 44 से 52 सीटें मिलने का अनुमान है। तो एग्जिट पोल के मुताबिक अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन सकती है। एग्जिट पोल के रुझान के हिसाब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 111 से 121 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी के खाते में 106 से 116 सीटें आ सकती हैं। वहीं एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में बीजेपी को 100 से 110 और कांग्रेस को 90 से 100 सीटें मिल सकती हैं। छत्तीसगढ़ की भी बात करें तो यहां पर 36 से 48 सीटें एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को मिल सकती हैं, और जबकि कांग्रेस को 42 से 52 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। और देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हो गई है। पीएम मोदी ने वर्चुअली मोड पर लाभार्थियों से बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत वर्चुअल मोड में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। पीएम मोदी ने देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने के लिए एक कार्यक्रम भी शुरू किया। उन्होंने कहा कि अच्छी दवाई और सस्ती दवाई सबसे बड़ी सेवा है। पीएम ने लोगों को बताया कि किस तरह से अब दवाइयों पर होने वाला खर्च कम हो रहा है। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि अच्छी दवाई और सस्ती दवाई ये सबसे बड़ी सेवा है। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है कि जन औषधि केंद्र के बारे में लोगों को बताइए। उन्होंने कहा कि दवाइयों पर जो खर्च पहले 12 से 13 हजार का होता था, वो जन औषधि केंद्र की वजह से अब सिर्फ 2 से 3 हजार हो रहा है, यानी 10,000 रुपए आपकी जेब में बच रहे हैं। विकसित भारत का संकल्प सिर्फ मोदी का या सिर्फ किसी सरकार का नहीं है, ये सबका साथ लेकर सबके सपनों को साकार करने का संकल्प है। ये आपके संकल्प भी पूरा करना चाहता है, ये आपकी इच्छाएं पूरी हो ऐसा वातावरण बना चाहता है। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र को भी लॉन्च किया। ड्रोन केंद्र महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन मुहैया कराएगा, ताकि वो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर आजीविका कमा सके। इस योजना के तहत 3 सालों में महिलाओं को 15,000 ड्रोन दिए जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि इसका लाभ इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचना चाहिए। सरकारी नीतियों, सांसदों के लिए पोस्टर बनाने के लिए नहीं है, मेरे लिए खर्च किया गया प्रत्येक रुपया जमीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि संकल्प यात्रा के पीछे मेरा मकसद उन लोगों के अनुभवों को जानना है जो पहले ही हमारी योजनाओं से लाभान्वित हो चुके हैं, और ये कि आगे किन लोगों को शामिल करने की जरूरत है। मोदी की गारंटी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
तो पीएम मोदी ने कहा है कि मैं जो ये संकल्प यात्रा लेकर निकला हूं, इसके पीछे मेरा मकसद यही है कि जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है उनके अनुभव मैं जानना चाहता हूं, और जिनको नहीं मिला उन्हें 5 साल में उन योजनाओं का लाभ देना है। इसीलिए देश के हर गांव में मोदी के विकास की गारंटी की गाड़ी पहुंचनी चाहिए। देश में जातिगत जनगणना को लेकर जो मांगे उठ रही हैं उनको लेकर भी पीएम मोदी ने यहां पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ी जाति गरीब है, मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी जाति युवा है और सबसे बड़ी जाति महिलाएं हैं। तो देश के साथ साथ हरियाणा में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगर बात करें तो उन्होंने प्रथला से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इसी तरह से अलग अलग जगहों से अलग अलग मंत्रियों ने और नेताओं ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। देश के साथ साथ हरियाणा में भी विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद के प्रथला विधानसभा के गाँव फतेहपुर बिल्लौत से विजय भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की और गाँव वासियों को संकल्प दिलाते हुए देश के प्रति शपथ भी दिलवाई। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वहीं विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा की शुरुआत यमुनानगर में जगाधरी विधानसभा के गांव देवधर से हुई। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवर पाल गुर्जर इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा की शुरुआत की। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक टारगेट है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, तो उसके लिए बहुत सी समस्याएं योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन सारी योजनाओं का एक तो लाभ नहीं उठा सकते, जानकारी का भी अभाव होता है। तो एक तो उसकी जानकारी और एक जो समस्याएं जो काम अधूरे उनको पूरा करना, और उनको वहीं गाँव में आज 12 जो विभाग थे वो यहाँ पे आए थे और उन विभागों ने अभी यहाँ पे जैसे किसी का आयुष्मान बनना था, किसी की पेंशन बननी थी, किसी का गैस का सिलेंडर नहीं था, इस प्रकार की जो भी समस्याएं लोगों ने रखी, तो कुछ समस्याओं का समाधान यहाँ तुरंत साथ के साथ ही कर दिया और कुछ ऐसी हैं जिनके बारे में हम मतलब उसकी जानकारी लेंगे और सारे उस रिकॉर्ड को देखिए उस सारी समस्याओं का समाधान। अम्बाला में विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा का शुभारंभ गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ग्राम खतौली से किया। उन्होंने 2047 तक हमारा भारत विकसित भारत की शपथ दिलवाई। देखिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा है, मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 2047 तक जब हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 100 वर्ष हो जाएंगे तब तक हिंदुस्तान भी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आए। उसके लिए सारी योजनाओं को सारा जो सोचना है वो अभी से सोचना पड़ेगा। तो आज ये जो सरकार की, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उसका उनको लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, अगर कोई रह रहा है तो आज सरकार आपके द्वारा आई है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवाल के गांव असावटा से विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा गुरुग्राम के सोहना के गांव, अलीपुर और पटौदी खंड के गांव बलेवा के अलावा गुरुग्राम के सेक्टर 29 में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने की। कानावली में कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला और सांसद सुनीता दुग्गल ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचकर बड़वा गांव से इस यात्रा की शुरुआत की। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आने वाले कुछ वर्षों में विकसित भारत की संकल्पना को स्थापित करेगी। इसमें
सभी का योगदान जरूरी है, ये नेताओं की तरफ से अपील की गई। इसी उद्देश्य से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया था और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार भी करना है। और तेलंगाना में छिटपुट घटनाओं के बीच मतदान संपन्न हुआ। मतदान को लेकर खासा उत्साह मतदाताओं में देखने को मिला और खास तौर पर दिग्गजों की तरफ से भी मत का प्रयोग किया गया, जिसमें नेता और अभिनेता खास तौर पर शामिल रहे। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। राज्य में 3,26,00,000 से ज्यादा वोटर्स हैं। इनमें 8,00,000 लोग पहली बार वोट डालते नजर आए। नेशनल स्टेट लेवल की कुल 109 पार्टियों के 2,290 कैंडिडेट्स मैदान में हैं। मतदान के लिए सभी नेताओं अभिनेताओं ने भी अपने मत का प्रयोग किया, जहां अभिनेता वेंकटेश दग्गुबाती ने रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर निर्वाचन क्षेत्र में, हैदराबाद प्रेसिडेंट डिग्री और पीजी कॉलेज मणिकोंडा में मतदान किया, तो वहीं अभिनेता श्रीकांत ने जुबली हिल्स में एक मतदान केंद्र पर मतदान किया और साथ ही कहा कि कृपया अपना वोट अवश्य डालें। इसके अलावा अभिनेता नागा चैतन्य के जुबली हिल्स में सरकारी वर्किंग वुमन छात्रावास पर अपने मत का प्रयोग किया। वहीं अभिनेता निर्माता नागार्जुन और उनकी पत्नी अमला जुबली हिल्स में सरकारी वर्किंग वुमन छात्रावास में मतदान करने पहुंचे। इसके अलावा अभिनेता राणा दुग्गुबाती ने FNCC में मतदान किया। इसके अलावा अभिनेता विजय देवरकोंडा जुबली हिल्स के एक पब्लिक स्कूल में मतदान करने के लिए पहुंचे। वहीं तेलुगु फिल्म अभिनेता जगपति बाबू ने फिल्म नगर सांस्कृतिक केंद्र पर मतदान किया। वहीं दिग्गज नेताओं ने भी अपने मत का प्रयोग किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव ने सिद्धिपेट के चिंतामदका गांव में मतदान किया। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना के लोग भी कह रहे हैं कि कांग्रेस चुनाव जीतेगी, हम सभी 5 राज्यों में जीत हासिल करेंगे, आम धारणा यही है। तेलंगाना में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला, हालांकि कुछ जगहों पर छिटपुट घटनाएं भी हुई। जनगांव में एक मतदान केंद्र पर कांग्रेस बीजेपी और BRS के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। तो तेलंगाना की सभी 119 विधानसभा सीटों पर यह वोटिंग हुई। इस चुनाव में करीब 2300 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति यानी BRS, कांग्रेस और BJP के बीच त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। चुनाव के मद्देनजर कड़े इंतजाम सुरक्षा के भी देखने को मिले हैं। हालांकि एग्जिट पोल भी सामने आ रहा है, जिसमें कांग्रेस की स्थिति बेहतर बताई जा रही है। तो पांचों राज्यों के जो नतीजे हैं वो 3 तारीख को आएंगे, यानी काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल भी सामने आए हैं। अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इन एग्जिट पोल को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है। 3 दिसंबर को MP, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना के साथ राजस्थान के भी नतीजे आएंगे। इससे अशोक गहलोत ने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि बीजेपी ने धर्म की आड़ में डरावनी और तनाव भरी बातें की। अगर बीजेपी का धर्म का कार्ड चल गया तो अलग बात है, अगर धर्म का कार्ड नहीं चला तो हम सरकार बनाएंगे। अशोक गहलोत ने कहा कि एग्जिट पोल और सर्वे पर ना जाएं, राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी नेता लोगों के सामने डरावनी और बदले की भावना से भरी भाषा बोल रहे थे। PM मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने धर्म के नाम पर एकीकरण और ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। कुछ भी आए सरकार कांग्रेस ही बन रही है। राजस्थान के अंदर पांचों राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं आ रही है। पांचों राज्यों में मुझे लगता है बीजेपी कहीं जीत नहीं रही है, नंबर एक। नंबर दो, राजस्थान के अंदर एग्जिट पोल कुछ भी आ जाए, सटोरी कुछ भी कह दे, आप लोग कुछ भी दिखा दो मीडिया वाले, और सर्वे कुछ भी आए आपके मीडिया के अंदर, जो प्री पोल सर्वे आ चुके हैं, तब भी मेरा हंस कहता है, जो मैं कमेंट सुनता हूँ लोगों से, आम लोगों से, गांव में, शहर में, पिछले 6 महीने से, उससे मुझे लगता है कि सरकार हमारी आनी चाहिए। बस मैं मानता हूँ
मैं कोई एक एक सीट की कैलकुलेशन करता नहीं हूँ कभी। अशोक गहलोत ने कहा कि एग्जिट पोल चाहे कुछ भी कहें, राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाएगी। 5 राज्यों में से किसी में भी बीजेपी नहीं जीत रही। राजस्थान में जनता हमारी सरकार दोहराएगी। अशोक गहलोत ने इसके लिए 3 कारण भी बताए। उन्होंने कहा कि पहला कारण ये है कि सरकार के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। दूसरे है सीएम। बीजेपी के वोटर भी यही कहेंगे कि सीएम ने विकास कार्य करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और तीसरा कारण है प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, वो भाषा किसी को पसंद नहीं आई। तो राजस्थान में पिछले 30 साल से हर बार सरकार बदलने का ट्रेंड रहा है। यहां पर 1993 में बीजेपी ने जीत हासिल की। इसके बाद 1998 में चुनाव में जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया। 5 साल बाद जनता फिर से बीजेपी पर भरोसा जताती नजर आई और 2003 की अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी जीत गई थी। इसके बाद 2018 में कांग्रेस, 2013 में बीजेपी, 2018 में कांग्रेस को जीत मिली। अब देखना यह है कि इस बार राजस्थान में 30 सालों से यह चला आ रहा रिवाज बरकरार रहेगा या फिर बदल जाएगा। तो अभी हाल ही में राहुल गांधी की मोदी सरनेम को लेकर जो परेशानियां थी वो खत्म हुई थी, लेकिन अब एक और नई परेशानी राहुल गांधी के सामने खड़ी हो गई है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए कि ये परेशानी है क्या। बीजेपी के पूर्व पार्टी पदाधिकारी और प्रेक्षक से वकील विजय मिश्रा ने अपनी शिकायत में राहुल गांधी के 2018 के बयान को लेकर मामला दर्ज करवाया। इसमें शिकायत की गई है कि राहुल गांधी ने बेंगलुरु में 2018 में गृह मंत्री अमित शाह को मर्डरर कहा था, जिसको लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब कांग्रेस नेता मानिक टैगोर ने इस मामले पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि लगातार राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम इस मामले में झुकने वाले नहीं। राहुल गांधी को समन भेजे जाने के मामले पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग लगातार षड्यंत्र रचते हैं। अब 2024 में इनका षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। ये लोग न्यायपालिका पर भी दबाव डालते हैं। राहुल गांधी को दोबारा से मामले में नोटिस दिया है क्या? फिर वही ये तो उसका काम है और इनके पास कोई काम तो है ही नहीं। बीजेपी नेता की तरफ से की गई शिकायत में मांग की गई है कि राहुल गांधी के खिलाफ कम से कम 2 साल की सजा होनी चाहिए। और इसे लेकर ही कांग्रेस सांसद मानिक टैगोर ने एक ट्वीट में कहा कि ये राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश है। हालांकि लोकसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही महीने का वक्त बचा है, लेकिन जिस तरह से समन जारी हुआ है लिहाजा राहुल गांधी को कानूनी लड़ाई इसमें भी लड़नी पड़ेगी। ऐसे में कांग्रेस के कान तो खड़े हो गए हैं और कांग्रेस लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस नेता को सूरत की एक निचली अदालत ने जून महीने में 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके तुरंत बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता उस समय खत्म कर दी गई थी। बाद में राहुल गांधी सेशन कोर्ट, हाईकोर्ट भी गए, लेकिन राहत नहीं मिली। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उन्हें राहत मिली और उनकी सदस्यता बहाल की गई थी। और रोहतक पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और 5 राज्यों के चुनावों को लेकर जो नतीजे आने वाले हैं उस पर भी प्रतिक्रिया दी। रोहतक पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने भारतीय जनता पार्टी की विकसित भारत संकल्प यात्रा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बीजेपी इस यात्रा को सफल बनाने के लिए सरकारी तंत्र का प्रयोग कर रही है और हरियाणा रोडवेज की बसों का इस्तेमाल इस यात्रा के लिए किया जा रहा है। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर जिस तरह 3 दिसंबर को रिजल्ट आना, उसको लेकर क्या? कांग्रेस सरकार बड़ी है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तेलंगाना में बहुत भारी चांसेस है कांग्रेस सरकार। जन जन तक पहुँचाने सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, रोडवेज की बसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर, राहुल गांधी को दोबारा से मामले में नोटिस दिया है क्या? फिर वही ये तो उसका काम है और इनके पास कोई काम तो है ही नहीं। वहीं भूपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर दोहराया कि 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहने वाला है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार बनना तय है, तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है।
तो आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई है और ये यात्रा जो है पूरे देश में शुरू की गई है। तो वहीं इस यात्रा को लेकर बीजेपी पर कांग्रेस निशाना साधती नजर आ रही है, क्योंकि इस यात्रा के जरिए मिशन 2024 की तैयारी भी बीजेपी कर रही है। बीजेपी ने इस यात्रा की शुरुआत ऐसे समय में की है जब 5 राज्यों के नतीजे आने वाले हैं, जो 3 दिसंबर को आएंगे। 2014 का चुनाव भी अब नजदीकी है, ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में चाहे वो राहुल गांधी हो या कांग्रेस के अन्य शीर्ष नेता, उनका बीजेपी पर सवाल उठाना लाजमी है। तो मिशन 2024 की तैयारियों में हरियाणा कांग्रेस भी जुट चुकी है और इसे लेकर हरियाणा कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, एक नया अभियान शुरू किया जा रहा है और साथ ही कांग्रेस की अगर बात की जाए तो बीजेपी पर निशाना भी साधा गया है। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने बताया कि आज से कांग्रेस की तरफ से प्रतिवासी परिवर्तन अभियान की शुरुआत की गई है। इसका मकसद कांग्रेस की विचारधारा के सभी वर्गों को पार्टी के साथ जोड़ना है। इसके लिए एक वेबसाइट भी बनाई गई है, वो अपना ब्यौरा भरकर पार्टी से जुड़ सकते हैं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज की विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके बीच में हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रतिभा खोज अभियान के तहत प्रतिभा से परिवर्तन की एक कार्यक्रम के तहत आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जो हमारे नेताओं की सोच है कि सभी आम आदमियों को, आम कार्यकर्ता जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ है, जो टैलेंटेड जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग का हो लेकिन विशेषकर से युवा वर्ग, उसको इस अभियान से जोड़ा जाए। उदय भान ने कहा कि प्रदेश स्तर, जिला स्तर, मंडल स्तर, प्रवक्ता जैसे अहम पदों पर कांग्रेस से जोड़ने की शुरुआत हुई है और यह अभियान कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता राहुल गांधी की सोच का नतीजा है। वहीं उदय भान ने कहा कि 6 दिसंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी और 31 दिसंबर तक कांग्रेस का संगठन भी बन जाएगा। उदय भान ने कहा कि विधायक दल की बैठक में कांग्रेस शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति बनाएगी। इस दौरान उदय भान ने कई मुद्दों को लेकर हरियाणा सरकार पर भी निशाना साधा। तो पिछले 10 से 12 सालों में हमने देखा है राजनीति में खास तौर पर कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कितना बड़ा जरिया बन चुका है किसी की जीत और हार को लेकर, एक बहुत बड़ा फैक्टर देखने को मिलता है। और इसी को लेकर हमने देखा कि कांग्रेस की तरफ से अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्यादा एक्टिव हुआ जा रहा है और इसी के तहत इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। वहीं गुरुग्राम की भूंसी जेल में बंद मोनू मानेसर को अभी और इंतजार करना होगा जेल से बाहर निकलने के लिए। एक बार फिर से सुनवाई हुई और यह सुनवाई अब 8 जनवरी को होगी। हरियाणा के पटौदी में हत्या के प्रयास के मामले में गुरुग्राम की भूंसी जेल में बंद मोनू मानेसर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुरुग्राम कोर्ट में पेशी हुई। एडीजे जसवीर सिंह की कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया कि फिलहाल मोनू मानेसर भूंसी जेल में ही बंद रहेगा। इस मामले को लेकर अगली सुनवाई अब 8 जनवरी को होगी। मामले को लेकर पिछली सुनवाई पटौदी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। इस दौरान लोअर कोर्ट ने सेशन कोर्ट के लिए कमिट किया था कि अब केस गुरुग्राम सेशन कोर्ट में ही चलेगा। मोनू मानेसर का केस कमिट होकर आज गुरुग्राम सेशन कोर्ट में आया था। माननीय श्री जसवीर सिंह जी अदालत के अंदर आज VC के माध्यम से जो है वो पेशी हुई, जिसके अंदर आगामी जो तारीख है वो 8 जनवरी लगी। मोनू तो पहले से भूंसी जेल में है, लेकिन अब जो कानूनी प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। केस कमिट होकर आया है, सेशन ट्रायल है, 307 का जो है सेक्शन लगा हुआ है, तो इस कारण से अब जो है सेशन कोर्ट के अंदर आगामी जो कानूनी कार्रवाई वो आगे चलेगी, कानूनी प्रक्रिया, और उसके अंदर अब हम अपना जो है बेल का जो भी होगा, जैसे
गुरुग्राम की कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मोनू मानेसर की ये पेशी हुई। आपको बता दें कि मोनू मानेसर को करीब 2 महीने पहले नूह हिंसा मामले में भड़काऊ बयानबाजी के बाद गिरफ्तार किया गया था। तो ये पूरा मामला आपको बता देते हैं। 7 जनवरी को पटौदी के बाबर शाह मोहल्ले में 2 समुदायों के बीच विवाद खड़ा हो गया था, जिसके बाद एक समुदाय की तरफ से मोनू मानेसर को बुलाया गया। इस विवाद के दौरान पथराव और फायरिंग भी हुई। इसी फायरिंग के दौरान मोनू मानेसर अवैध असलाह के साथ फायरिंग करता दिखाई दिया। वहीं इस फायरिंग के बाद 12वीं क्लास के एक छात्र को गोली भी लगी थी। इसे लेकर मोनू मानेसर पर यह केस चल रहा है। तो ये दिन भर की वो खबरें रही हैं जो सुर्खियों में बनी रही हैं, और इनके बारे में हमने आपसे विस्तार से बातचीत की। फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।